युगों युगों से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। आज 6 दिसंबर 2019 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज नवमी तिथि सुबह 4:15 बजे तक रहेगी और उसके पश्चात दशमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:51 से लेकर 12:32 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 10:55 से लेकर दोपहर 12:12 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। आइए अब जानते हैं एरीज यानी कि मेष राशि का आज का राशिफल। आज सुबह उठने के साथ ही आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और आपके मन में एक ऐसा विचार आएगा जिसको परसू करके आप अपने आप को अपने कार्य क्षेत्र में और समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में स्थापित कर पाने में सफल होंगे। इसलिए आपको उस विचार को आज अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करना चाहिए और इस अपॉर्चुनिटी को किसी भी हालत में अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। आज आपके फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं और आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करने वाले हैं। आज यदि आप कोई नया व्यापार प्रारंभ करने की सोच रहे हैं या अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए कुछ नई एक्टिविटीज को करने की विचार कर रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन शुभ है। यदि आज आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको कोई मौसमी बीमारी होने का खतरा दिखाई दे रहा है। आज आपके कनेक्शंस नए लोगों से बनेंगे जो भविष्य में चलकर निश्चित तौर पर आपकी सहायता करेंगे। आज आपको ऐसे कार्यों में रुचि बढ़ेगी जिसमें दिमाग की आवश्यकता है, यानी कि उनको सॉल्व करने के लिए आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है। आज आपका भाग्य पूर्णतः आपका साथ दे रहा है और आज आप अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि का आज का राशिफल। आज अपने वर्क प्लेस पर आपके ऊपर काम का बोझ काफी अधिक बढ़ सकता है क्योंकि आपके उच्च अधिकारी आज आपको कई सारे नए टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, परंतु आपको इन काम को कार्यों की तरह ना देखते हुए इनको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए जो आपको अपने उच्च अधिकारियों की नजरों में एक महत्वपूर्ण स्थान दिला सकती है। इसलिए आपको अपने सभी कार्यों को कर्तव्य निष्ठा से करना चाहिए ताकि भविष्य में चलकर आपके उच्च अधिकारी आपके मेहनती स्वभाव की वजह से प्रमोशन जल्द से जल्द प्रदान करें। आज आपको अपने विदेश में स्थित रिश्तेदारों से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज का समय आपका अपने भाई बहनों के साथ भी बीतने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। आज आपके पेट में कोई परेशानी हो सकती है, इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप तला भुना खाना खाने से परहेज करें।
अधिक तेल वाला खाना भी खाने से परहेज करें और खाने पीने में अपनी हाइजीन का विशेष तौर पर ध्यान रखें, अन्यथा आपके पेट में गड़बड़ से आपको बिस्तर पकड़ने की नौबत आ सकती है, आपको फूड पॉइजनिंग भी आज हो सकती है। वृषभ राशि वालों, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है और आप अपने आप को अनलकी महसूस करते हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि का आज का राशिफल। आज आपके व्यापार में कुछ पेचीदा मुद्दे आपके सामने आ सकते हैं, परंतु अपने बुद्धि के बल पर आप उन सभी का हल आज कर लेंगे। यदि आप अपने करियर में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक नई नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो अभी उसके लिए समय शुभ नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ना तो इधर के रह जाएं और ना ही उधर के रह जाएं, आपकी नौकरी भी छूट जाए और आपको नई नौकरी भी ना मिले, जिस कारण आपको घर पर खाली बैठना पड़ जाए। इसलिए अभी कुछ समय के लिए आप इस विचार को अपने मन से निकाल दें। आज आपका अपने परिवार के साथ किसी छुट्टी पर जाने का प्लान बन सकता है। समाज में आज आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने की संभावनाएं बनी हुई। यदि आज आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो उसमें आपके मित्रों की सलाह आज आपकी परेशानी का हल कर सकती है। आज आपको ध्यान रखना है कि आपका खर्चा अधिक ना हो जाए, क्योंकि आज इसकी वजह से महीने का अंत आने की वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डगमगा सकती है। आज आपकी माता जी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको आज डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ जाए, जिसमें आपका समय और धन दोनों आज बर्बाद हो जाए। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन आपके लिए गड़बड़ सिद्ध हो सकता है और विशेष तौर पर इसका जो खामियाजा है वो छात्रों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आज स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वो अपनी पढ़ाई में मन लगा पाने में खुद को असमर्थ महसूस कर सकते हैं, जिससे आज वो अपने टारगेट से भी पिछड़ सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें तो यही आपके लिए बेहतर होगा। आज योजना की कमी की वजह से आपकी जो मेहनत है वो बेकार हो सकती है। आप अंधाधुंध मेहनत करे जा रहे हैं, परंतु आपके मन में एक क्लियर टारगेट नहीं है, एक क्लियर स्ट्रैटेजी नहीं है कि आपको किस राह पर चलने की आवश्यकता है, जिसकी वजह से आपकी ये जो मेहनत है उसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि आप 2 पल रुक जाएं और तनिक सोच समझ कर एक स्ट्रैटेजी निकालें और उसी पर अमल करने का प्रयास करें। आज क्रोध की अधिकता की वजह से आपके रिश्तों में दरार आने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अपने परिवार के किसी संबंधी के साथ आज आपका झगड़ा भी हो सकता है। आज अपने दिमाग को शांत रखने के लिए मेरी आपको सलाह है कि आप मेडिटेशन का सहारा अवश्य लें। आज समाज में आपकी मान हानि होने की भी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आज आपको सभी लोगों के सामने किसी न किसी कारण की वजह से लज्जित होना भी पड़ सकता है। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं सिंह यानी कि लियो राशि का आज का राशिफल। आज आपको ऐसा लग सकता है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, परंतु आप बिल्कुल भी विचलित ना हो। आगे चलकर निश्चित तौर पर आपको अपनी इसी मेहनत के बल पर अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी, इसलिए आप घबराएं नहीं,
और मेहनत करते रहें। इस बात का ध्यान रखें कि बिना मेहनत के कुछ भी मिल पाना असंभव है और आपको मेहनत करने से ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आज आप सोच समझकर किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर शेयर बाजार में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलने की संभावनाएं आज बनी हुई। आज अपने घर पर अपने गृहस्थ जीवन में आपको अपने जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। आज वो आपकी हर प्रकार से सेवा करने का प्रयास करेंगे, आपको खुश रखने का प्रयास करेंगे। आज इसी वजह से आपके घर का वातावरण शांत और आनंदमय बना रहेगा। परंतु आज आपको अपने खान पान पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। आज आप तीखे मिर्च वाले खाने की ओर आकर्षित हो सकते हैं, परंतु इसकी वजह से आप अपना पेट भी खराब कर सकते हैं। मेरी आपको सलाह है, अगर आप आज सात्विक भोजन खाएं तो यही आपके लिए बेहतर होगा। सिंह राशि वालों, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी आमदनी कम है और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूँ। आइए अब जानते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गो राशि का आज का राशिफल। आज आपके मन में नया व्यापार प्रारंभ करने की योजना आ सकती है, जिससे कि आप अपनी इनकम को बढ़ावा दे सकें। परंतु ध्यान रहे, ये योजना केवल आपके मन तक ही सीमित ना रह जाए। आप इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक डेफिनेट प्लानिंग, एक डेफिनेट स्ट्रैटेजी को ढूंढने का प्रयास करें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिशें भी करें। देखिए, व्यापार एक दिन में प्रारंभ नहीं हो जाता है, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी लगता है, परंतु आप इससे घबराएं नहीं। भविष्य में चलकर आपका ये व्यापार आपको दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कराएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट से 100 गुना धन की प्राप्ति आपको करवाने में सक्षम होगा। इसलिए आपको आज इस विचार पर आगे बढ़ने की जरूरत है। आज आपके विरोधी आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं, उनसे सावधान रहें। आज आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करने का विचार कर सकते हैं, क्योंकि अभी उसके लिए समय शुभ है। आज आप अपने पुराने अधूरे कार्यों को भी पूरा करवाने में सफल रहेंगे। आज विशेष तौर पर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज आपका शुगर लेवल बढ़ने से या ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपके डॉक्टर तक जाने की नौबत आ सकती है, इसलिए अपना ध्यान रखें, अपने खाने पीने पर कंट्रोल रखें। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञ महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन
प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। आइए अब जानते हैं तुला यानी कि लिब्रा राशि का आज का राशिफल। आज आपको अपने व्यापार में परिवर्तन लाने की चेष्टा करनी चाहिए। आपको ऐसी सभी बिजनेस प्रैक्टिसेस को त्याग देना चाहिए जो आपके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में फेल हो चुकी हो, और ऐसी नई बिजनेस स्ट्रैटेजीज को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए जो कि आपके कस्टमर्स को आकर्षित कर सके। इसके लिए आपको आज इंटरनेट पर रिसर्च भी करनी चाहिए और साथ ही साथ अपने कस्टमर्स से भी रेगुलरली फीडबैक लेते रहना चाहिए, जिससे कि आप अपने व्यापार को अपने कस्टमर्स के लिए एक बेहतर ऑप्शन की तरह प्रेजेंट कर सके। इससे आपके काम में नई जान आ जाएगी और आपकी भी रुचि बढ़ेगी। आज अपने बच्चों से आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज यदि आप किसी यात्रा पर किसी प्रयोजन से जा रहे हैं तो आपका वो काम आज बन जाए। आज अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आज काम की भागदौड़ की वजह से आपका शरीर टूटने सा लगेगा, आपको अपने शरीर में दर्द महसूस हो सकता है। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि का आज का राशिफल। आज व्यापारियों को अपने व्यापार की मार्केट में एक अलग पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आपके कस्टमर्स के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, जिस वजह से आपके धंधे अफेक्ट हो सकते हैं यदि आप उन्हें अलग तरीके से अपने कस्टमर्स को प्रेजेंट करने में असमर्थ रहते हैं। इसी दिशा में आज आपको मेहनत करने से निश्चित तौर पर भविष्य में अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो सकती है। आज आपका कोई मित्र आपसे पैसों की मदद मांग सकता है और आप भी आज उसकी सहायता करके अपनी मित्रता का निभाने का प्रयास करें। आज अपने परिवार के संबंधियों के साथ कोई भी वार्तालाप करते हुए आप अपनी वाणी पर संयम रखें। आज आपकी कोई बात उनको चुभ सकती है और उनके मन में खटास पैदा कर सकती है। आज आपके जीवन साथी के व्यवहार से आप अत्यंत प्रभावित रहेंगे, क्योंकि वो आज आपको खुश रखने का हर संभव प्रयास करेंगे। जो लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, यदि आज वो थोड़ा सा जोखिम उठाएं तो उन्हें बड़ा लाभ होने की आकांक्षा बनी हुई है। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपके पास अपनी कार नहीं है और आप अपने सपनों की कार जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित नीलम की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि का आज का राशिफल। आज आपकी किस्मत आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है और आज आपको अपने कार्यों में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आज आप शेयर बाजार में भी पैसा इन्वेस्ट करने से परहेज करें तो वही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आज शेयर बाजार में किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे सकता है। आज आपके अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी हो सकता है कि आपको रिजल्ट्स की प्राप्ति ना हो। आज आपका अपने रिश्तेदारों से भी किसी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है, जिससे आपके संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। आपका स्वास्थ्य भी आज कुछ अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है और आज खाने पीने में गड़बड़ी की वजह से आपका जो स्टमक है वो अपसेट हो सकता है। आज आपके छोटे भाई को भी चोट फाट लगने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अत्यंत भारी प्रतीत हो रहा है। आज का आपका राशिफल देखते हुए
मैं आपको एक भी स्टार नहीं दूंगा। चलिए भक्तगणों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आज आप बुध देवता को प्रसन्न करके उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति कपड़ों से संबंधित कोई कार्य करते हैं या म्यूजिक से संबंध रखते हों या अपने जीवन में ऐसा कोई भी कार्य करते हैं जिसमें बोलने चालने की आवश्यकता पड़ती हो, तो उसमें आज बुद्ध देवता के आशीर्वाद से निश्चित तौर पर आपकी वाणी में ऐसी शक्ति आ जाएगी जिससे आप सभी को इम्प्रेस कर पाने में सफल हो। आज बुद्ध देवता को प्रसन्न करने के लिए आपको इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सै बुद्धाय नमः। यह बुद्ध देवता का बीज मंत्र है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करें और अपनी निष्ठा से चाहे 21 बार हो, 51 बार हो या 108 बार हो, इस मंत्र का जप करें। मैं आपके लिए दोबारा इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूँ। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सै बुद्धाय नमः। आइए अब जानते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपके शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना सकते हैं, इसलिए आप अत्यंत सावधान रहें। आज आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स आपके बिजनेस की नेगेटिव पब्लिसिटी करके आपके ग्राहकों को अपनी ओर खींचने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे आज आप मानसिक रूप से परेशान हैं। आज आपको क्रोध भी अधिक आ सकता है और छोटी से छोटी बात का ऑफेंस लेकर आज आप किसी से भी झगड़ा मोल लेने के लिए उतारू रहे। इससे आपके संबंधों में आज कड़वाहट पैदा हो सकती है, इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आज आप मेडिटेशन का सहारा लेकर खुद को शांत रखने का प्रयास करें। यदि आप पिछले कुछ दिनों से किसी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का सामना कर रहे थे तो आज उसके बिगड़ जाने से आपके हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आ सकती है। आज अपने मामा जी के घर से भी आपको कोई अशुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है और आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको एक स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज वाहन खरीदने के लिए आपका दिन शुभ है। आज आपके नेतृत्व करने की क्षमता आपके बॉस को प्रभावित करेगी और वो आज आपको प्रमोशन की खुशखबरी भी दे सकते हैं। प्रमोशन के साथ ही आज आपको एक नई टीम को लीड करने का मौका भी मिलेगा, जिसका आज आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आज केमिस्ट को भी खूब कस्टमर्स मिलेंगे और आज आप अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। परंतु आज आपकी माता जी की तबीयत अचानक बिगड़ सकती है और आज आपको डॉक्टर्स के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, जिसमें आपका धन और समय आज व्यर्थ हो सकता है। आज अगर आपके बच्चों को यदि कोई सक्सेस मिलती है तो उसे आप सेलिब्रेट ना करें, अन्यथा आपके बच्चों को आज नजर लग सकती है। युवक भी आज अय्याशी के चक्कर में पड़कर अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों, अपनी संतान प्राप्ति में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनी शिष्य जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं मीन यानी कि पाइसेस राशि का आज का राशि से। आज आप ऐसे कार्य करेंगे जो समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे और सभी लोग आपको आदर के भाव से ही देखेंगे।
आज लोहे की बनी कोई भी वस्तु का व्यापार करने वाले व्यक्तियों को आम दिनों के मुकाबले कई गुना मुनाफा कमाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। आज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपका परम अस्त्र है और यही आज आपको हर मुसीबत से बाहर निकालेगा। आज आपके परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा और आप सभी तनाव से मुक्त होकर अपने परिवार के साथ सभी सुखों का आनंद ले पाएंगे। इसके लिए आज आपको भगवान का धन्यवाद भी अवश्य ही करना चाहिए। यदि युवक बैंक में नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन बेहतरीन है। आज आपको अवश्य एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आज रात को सोते वक्त आपका मन बेचैन रह सकता है, इसलिए मेरी आपको सलाह है कि सोने से पूर्व मेडिटेशन अवश्य करें। इससे आपको चैन की नींद प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। आज हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को विशेष तौर पर अपना ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आज ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज आप शराब का सेवन करने से भी परहेज करें। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूँ। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।